हेलो गाइस, मेरा नाम है अमित। आप देख रहे हो मेरी ट्विटर। आज के इस नई वीडियो में बता रहा हूँ गाइस कि आप गूगल पे बिजनेस अकाउंट ओपन करना चाहते हो और कुछ प्रॉब्लम आती है तो उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे गाइस। हाँ गाइस, आपने सही सुना है, आपको कुछ प्रॉब्लम कुछ दिक्कत आती है तो वो कैसे सॉल्व कर सकते हो गाइस। तो देखिए करना क्या है, आपको सिंपली गूगल पे बिजनेस आपको प्ले स्टोर में जाकर अपडेट कर लेना है पहले। अगर अपडेट नहीं करना है तो आप अपडेट करिए, तभी आपको यहाँ पे न्यू ऑप्शन मिलने को दिख जाएगा। देखिए यहाँ पे मैं गूगल पे गूगल पे बिजनेस लिखना है आपको। जैसे गूगल पे बिजनेस लिखता हूँ, देखिए यहाँ पे अपन जगह अपडेट कर लेना है गाइस। जैसे ही आप अपडेट करते हो, देखिए देखिए यहाँ पे ओपन का ऑप्शन आ चुका है गाइस। इसके बाद करना क्या है, आपको सिंपली ओपन वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करते हो, देखिए गूगल पे बिजनेस ओपन हो जाएगा। इसके बाद तो मैंने न्यू अकाउंट बना के कोशिश की, लेकिन यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ चुकी है, स्नैप फ्रॉड यहाँ पे वो आ चुका है गाइस। देखिए तो इसके बाद कंप्लीट फॉर्म का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। देखिए गाइस यहाँ पे कंप्लीट फॉर्म का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो इसका करना क्या है, यहाँ पे कंप्लीट फॉर्म वाले ऑप्शन पे कर लेना है क्लिक। देखिए जैसे ही कंप्लीट फॉर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो, देखिए नीचे कुछ ऑप्शन हो जाएंगे। सबमिट वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट टू एक्टिव योर गूगल पे फॉर बिजनेस अकाउंट, देखिए यहाँ पे कुछ दिखने को मिल जाएगा। इसको करना क्या, आपको सिंपली देखिए आपको नीचे आ जाना है। जैसे ही नीचे आते हो, देखिए यहाँ पे कुछ डिटेल डालनी पड़ेगी आपको। फर्स्ट नाम, लास्ट नाम, यहाँ पे ईमेल आईडी शो हो जाएगी, जो भी डालनी हो डाल देनी है गाइस। आपने जो भी ईमेल आईडी रखनी है वो डालनी है सही से। इसके बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर टाइप कर लेना है गाइस। देखिए मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर टाइप कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे मर्चेंट आईडी आपको डाल देनी है, मतलब यहाँ पे जो भी आपको मर्चेंट आईडी है जो गूगल पे की जब बना रहे हैं उसकी आईडी है वो डाल देनी है। इसके बाद यहाँ पे बिजनेस नेम डाल देना गाइस। जो बिजनेस नेम यहाँ पे डाल देता हूँ गाइस। देखिए इसके बाद यहाँ पे बिजनेस एड्रेस डाल देना है। देखिए मैं बिजनेस एड्रेस डाल देता हूँ। देखिए डाल दिया। इसके बाद नीचे आ जाना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए अपलोड इमेज टू बैंक पासबुक, तो आपको सिंपली बैंक पासबुक चूज़ कर लेनी है यहाँ से। देखिए यहाँ से आपको बैंक पासबुक चूज़ कर लेनी है। देखिए यहाँ से आपको बैंक पासबुक चूज़ कर लेनी है गाइस। देखिए मैं यहाँ पे बैंक पासबुक चूज़ कर लेता हूँ। आपको यहाँ पे सही से बैंक पासबुक चेक सही से आपको चूज़ कर लेनी है गाइस। देखिए यहाँ से मैं बैंक पासबुक यहाँ पे सही कर लेता हूँ गाइस, चूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे थोड़ी दिक्कत वाली ज़्यादा फोटो से इसीलिए ऐसा हो रहा है। देखिए गाइस यहाँ पे पासबुक का ऑप्शन मिल जाएगा मेरे को गाइस। देखिए यहाँ पे ये रहा पासबुक, यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लिए। इसके बाद देखिए यहाँ पे नो फाइल चूज़, यहाँ पे पैन कार्ड का फोटो यहाँ पे चूज़ कर ले रहे हैं गाइस। यहाँ से आपको पैन कार्ड का फोटो यहाँ पे आपको अपलोड कर लेना है। देखिए यहाँ से मैं पैन कार्ड का भी फोटो यहाँ पे अपलोड कर लेता हूँ गाइस। देखिए इसके बाद यहाँ पे करने के, यहाँ पे सिंपली जीएसटी डॉक्यूमेंट डालना है डाल सकते हो, नहीं डालना है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे। इसके बाद देखिए यहाँ पे चूज़ फाइल, यहाँ पे आपको जिस देखिए यहाँ पे लिख के चुका यूज फोन कैमरा फीचर द फोटो चिपिस पीपीएन टू पीएनजी फॉर्मेट। यहाँ पे एड्रेस का कोई एक साइड का जो आधार कार्ड का वगैरह फोटो आपको डाल देना है इधर गाइस। देखिए उसको भी मैं डाल देता हूँ। देखिए गाइस इसको भी डाल देना है आपको। ये सब आपको फॉर्म कंप्लीट करना पड़ेगा तभी आप ये सब कर पाएंगे सर। देखिए बैक वाला डाल दिया। इसके बाद करना क्या है गाइस, नो फाइल चूज। देखिए यहाँ पे शॉर्ट फॉन्ट फोटो यहाँ पे, तो आपको वो भी डाल देना है गाइस। जो भी फॉन्ट यहाँ पे जो भी शॉप है वगैरह उसके यहाँ पे फोटो डाल देना है गाइस। तो देखिए मैं इसको डाल देता हूँ, कोई शॉप वगैरह का फोटो देखिए डाल लिया। इसके बाद यहाँ पे स्टोर फोटो, मतलब यहाँ पे आपको फोटो स्टोर फोटो आपको डाल देना है गाइस। यहाँ पे मैं स्टोर फोटो भी डाल देता हूँ। देखिए देखिए गाइस यहाँ पे स्टोर फोटो डाल देता हूँ। देखिए स्टोर फोटो डाल दिया। इसके बाद आपको कुछ इधर लिखना है तो लिख सकते हो, नहीं लिखना है तो नहीं लिखना, कोई बात दिक्कत होगी आप नहीं। इसके बाद आप सबमिट वाला ऑप्शन मिल जाएगा आपको। देखिए सबमिट वाला ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर कर लेना है क्लिक। जैसे गाइस क्लिक करते हो,
देखिए गाइस जैसे ही क्लिक करते हो तो यहाँ पे कुछ देखिए मर्चेंट आईडी यहाँ पे शो नहीं हो रहा है गाइस, इसको मैं यहाँ पे सही कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मर्चेंट आईडी आपको लिखनी पड़ेगी, मतलब यहाँ पे मर्चेंट आईडी आपको लिखना ही जरूरी है, नहीं होगा नहीं, इसके बाद ये नहीं करेंगे तो आपको नहीं होगा ऐसा लग रहा है गाइस, तो इसको लिखनी है। तो मर्चेंट आईडी कहाँ मिलेगी मैं आपको बाद में दिखा देता हूँ गाइस, अभी मैं आपको लिख लेता हूँ यहाँ। देखिए यहाँ पे मर्चेंट आईडी डाल दी, इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट फिर से कर लेता हूँ गाइस। देखो कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कुछ कुछ अच्छा लग रहा है मुझे कुछ। देखिए हो चुका है गाइस, हो चुका था गाइस, देखिए मैंने आपके सामने कर दिया सबमिट, यहाँ पे हो चुका था, फिर से भी आ चुके हैं डालने के लिए, लेकिन पहले मैंने डाल दिया था, हो चुका है गाइस। देखिए आपको सामने मैंने डाला है और हो भी चुका था, ऑप्शन आ गया था। तो ऐसे करके आप रिक्वेस्ट डाल सकते हो, उसके बाद 24 घंटे या 48 घंटे के बाद आपका यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो आप ऐसे करके ये सब डाल सकते हो गाइस। देखिए आपको मर्चेंट आईडी कहाँ पे, देखिए मर्चेंट आईडी ये रहेगी, आप कॉपी भी कर लेना इसको और फिल कर लेना है, जो आपका मैंने आपको पहले बताया कि मर्चेंट आईडी आप कहाँ से मिलेंगे, यहाँ पे से आप कॉपी कर लेना है। तो देखिए इसके बाद यहाँ पे कंप्लीट फॉर्म वाला ऑप्शन का भी मैंने बताया, इसका डॉक्यूमेंट आपको डाल लेना है, इसके बाद आप यहाँ पे सब कर पाएंगे गाइस। ठीक है गाइस, वीडियो भी अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट कर लेना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना गाइस। ऐसा वीडियो में लग रहा हूँ, चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।